वेदानंद राय ने मजदूरों की मौत की कीमत 1 लाख रुपया लगाई। मजदूर जगदीश कस्तूरे के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। सूरज ब्रह्मे। विगत 12 मई को दोपहर 12:30 बजे कटेझिरिया माइंस में लॉन्गर रेंज काम कर रहे मजदूर जगदीश कस्तूरे की मृत्यु के संबंध में आज बालाघाट जिला मुख्यालय में नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे एवं भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख राजकुमार मोहारे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मांग की है कि चिकलाझोड़ी निवासी मृतक मजदूर जगदीश कस्तूरे के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। साथ ही मृतक के परिवार को पालन पोषण के लिए जब तक उनके बच्चे बालिग नहीं हो जाते तब तक उनको 25,000 रुपया प्रति माह दिया जाए एवं रिजर्व फॉरेस्ट में संचालित मैंगनीज माइंस की उच्च स्तरीय जाँच कर संबंधित दोषी अधिकारी तथा ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप सबका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जो मजदूर के हित में आप लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को समय दिया। आप हैं हमारे राजकुमार मोहारे जी जो भारतीय मजदूर संघ के प्रभारी हैं विभाग प्रमुख हैं और तीनों जिले के प्रभारी हैं आप। तो जब इनको जानकारी मिली कि एक मजदूर जो जगदीश सरोते हैं उनकी कटेझरी में गिरने की वजह से मौत हो गई तो ये वहाँ स्थान पर गए और इस संबंध में इन्होंने जो वहाँ का ठेकेदार है कोई वेदानंद राय उससे भी चर्चा की और चर्चा करने के दौरान मैं उस समय उत्तर प्रदेश में था, मुझे उनसे के द्वारा बताई गई कि ऐसी घटना घट चुकी है यहाँ। तो मैं जब मैं आया तो इनके साथ तो स्थल निरीक्षण करने हम लोग गए। स्थल निरीक्षण के दौरान हमें पाया कि वहाँ 4 फीट का एक सुपरण किया जा रहा है। दूसरी सबसे अहम जो बात है वो रिजर्व फॉरेस्ट है और रिजर्व फॉरेस्ट में ये माइनिंग का काम हो नहीं सकता, लेकिन कैसे हो रहा है ये तो समझ से परे है। इनके ऊपर चाहे वो फॉरेस्ट का कोई भी अधिकारी हो, माइनिंग का कोई भी अधिकारी हो, श्रम विभाग का कोई भी अधिकारी हो, इसमें श्रम विभाग के भी अधिकारी मिले हुए हैं, फॉरेस्ट के भी अधिकारी मिले हुए हैं और खनिज विभाग के भी अधिकारी मिले हुए हैं। ये तीनों अधिकारियों के साठ गांठ से इनका बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट में आप वहाँ एक पुल पुलिया का निर्माण जब तक अनुमति ना मिले फॉरेस्ट की नहीं कर सकते, तो वहाँ पुल पुलियों का निर्माण ठेकेदार द्वारा कराया गया है। तो सुरंग में ना कोई सेफ्टी कोई साधन है और वो मजदूर को एक बाल्टी से उतारा जाता है और मजदूरों को जब बाल्टी से उतारा जाता है तो मजदूरों का कोई ठिकाना नहीं कि कब वहाँ से वो रस्सी टूट जाए और कब उनकी मृत्यु हो जाए। दूसरी बात ये कि वहाँ सीढ़ी से उतारा जाता है 110 फीट का गहरा कुआं खोदे हुए हम लोग, और जब जानकारी मिली तो पता चला कि मजदूरों को भी वहाँ पर 450-450 रुपये प्रतिदिन और अंडरग्राउंड को बात कर रहे हैं तो 550 रुपये प्रतिदिन दिया जा रहा है। दुर्घटना में भी मुझे पता चला कि वहाँ कटे जिले के अंदर कोई खदान है और खदान से जिससे पसरा चल रहा है उसी भी उनकी बॉडी के साथ में था। तब वहाँ किसी के जो कंपनियों के मालिक जो है जमानंद राय उनके साथ में बैठा तो वहाँ पे हमने तुरंत में तो उनसे सब जानकारी दी कि भाई खदान कैसे चल रही है क्या कर रही है। तो उन्होंने भैया खदान में विधिवत की कार्रवाई हो रही है, विधिवत चल रहा है खदान और इनका पीएफ भी कट रहा है और इनका बीमा भी है और फिर इनको कंपनसेशन की जो राशि है वो भी मिलेगी क्योंकि वो इनका सारा विधिवत तरीके से रिकॉर्ड के पास है। मैं बोला भैया कंपनसेशन की जो राशि है तो आगे तो समय लगेगा, महीना 6 महीना 7 महीना लगेगा। मैं बोला अभी मैं क्या व्यवस्था कर रहा हूँ, तो बोले मैं अभी बोले 1 लाख रुपये दे रहा हूँ अभी व्यवस्था के लिए और बाकी बोले 6 लाख रुपये इनके नाम से बोले मैं FD करा दे रहा हूँ जिससे बोले इनके परिवार को 6,000 रुपये महीना भी मिलेगा। ये मेरी तरफ से अलग से राशि है पर देखा गया जब हम लोग शनिवार के दिन वहाँ पे इस बार में जाके देखे कि खदान सही में बहुत ही गलत तरीके से चल रही है और वे समझ से परे है कि उस जगह में DGMS जो है हमारी जिसका जो DGMS अधिकारी उनका जो अधिकारी वो कैसे क्या होगा आज तक के लिए समझ में जाए जबकि वहाँ पर मोटरसाइकिल भी जाना बड़ा असंभव है। मेरे सामने वहाँ के डंपर को खाली डंपर को जब चढ़ाया जा रहा था ढकेल करके जेसी भी से ढकल के चलाया जा रहा था। मैंने वहाँ के सुपरवाइजर से मेजर से बात करके पूछा कि भैया मैंने कहा कि आपके यहाँ जो खदान में जो काम करते हो किस प्रकार से है, तो उन्होंने दिखाया मुझे जहाँ पे दुर्घटना हुई थी वो दुर्घटना स्थल पे देखा कि वो दुर्घटना स्थल का जो कुआं जो खोद रहे हैं वो लोग वो वहाँ 4 फीट गहरा है और 110 4 फीट चौड़ा है और 110 फीट गहरा है और वहाँ पे रस्से का वो
रस्से का सीढ़ी बना के वहाँ से मस्जिद को उतारा जा रहा है, जो एकदम सेफ्टी सुविधा, जो सेफ्टी के जो नियम है उससे एकदम विरुद्ध है।